हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से फिर से टू न्यू प्रोडक्ट मंगवाए हैं और जिसमें से एक है गाइस, ये आप नीम लोग ऑयल। नीम ऑयल के बेनिफिट्स तो जानते ही होंगे और आप इसके ऊपर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है गाइस। मैं इसे टू डे से यूज़ मैं कर रही इसलिए हूँ। वीडियो क्योंकि अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसको पहले से देख लूँ कि ये कैसा है, फिर आपके साथ रिव्यू दूँ कि वाकई में इसने क्या किया है, इसका क्या इसने इसका कुछ काम हुआ भी है या गाइस, नहीं। अगेन मैंने दो फेस वॉश परचेज़ किए हैं। दोनों फिर से ग्लोवस फेस वॉश है, ग्लोवस नरिसिंग। मैं इस फेस वॉश की बात कर लेती हूँ गाइस। ये देखिए, ये लिखा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, मतलब कि आपके फेस को एकदम ड्राई नहीं होने देगा। और इसमें लिखा है ग्लोवस नरिसिंग रेटिनॉल सेफ्रॉन एंड मिल्क फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग फेस फेयरनेस, एडवांस एंटी एजिंग। गाइस, आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला वाला फेस वॉश अभी ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा वो बचा था। तो गाइस, मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपको थोड़ा सा रुक के दूंगी कि आखिरकार इसने क्या किया है क्या नहीं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ डार्क मैरून कलर का है, वो उसका रेड था जिसका रिव्यू मैंने इससे पहले दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट से उस वीडियो को देख ले गाइस। ये बहुत ही अच्छे सील होकर के आए हैं, देख सकते हैं आप, ये सील है पन्नी से। और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया। और गाइस, मैंने इसे 200 रुपीज़ में टू परचेज़ किए हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। और गाइस, ये फ्री डिलीवरी में मुझे मिला था और ये 100 रुपीज़ का मुझे मिला था ऑफ़र में। अब शायद इसका रेट 120 रुपीज़ हो गया है। गाइस, मैं इसे बता दूँ, छोटा सा रिव्यू मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँगी कि इसने वाकई में कुछ दिनों में मेरे साथ क्या इसने इफेक्ट दिया है और क्या नहीं। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था और मैंने जब इसे सिर्फ मैंने अभी इसे एक ही दिन यूज़ किया है, उसके बाद मैंने नाइट में इसे यूज़ किया था और मैंने मॉर्निंग में शैम्पू कर लिया। और गाइस, अमेजिंग इसका रिजल्ट था और इसने मेरा हेयर फॉल बहुत कम कर दिया। मैंने इसे खास तौर पे हेयर के लिए ही मंगवाया था, मुझे स्किन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, आप इसका रेट देख सकते हैं, इसमें 299 रुपीज़ लिखा हुआ है। और गाइस, ये ठंडियों में जम जाता है, जो प्योर वाला नीम ऑयल होता है वो भी गाइस जम जाता है। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जमा हुआ है। और गाइस, इसकी इसकी स्मेल थोड़ी सी बैड है, जैसे नीम की होती है इसकी स्मेल आपको थोड़ी सी। लेकिन गाइस, गाइस, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगी है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं कल लगाई थी इसे, लेकिन मैं अभी आज दोपहर तक मैं ओके महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा इसकी स्मेल अभी तक मेरे मुझे नहीं आ रही है। तो गाइस, स्मेल तो अगर थोड़ा सा हो तो चल जाता है, लेकिन अगर बाल ही ना बचे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट वैसे अभी तक तो बहुत पसंद अभी आया है। देखना चाहती हूँ कि मैं इसका क्या इफेक्ट रहता है। गाइस, आप इसे डैंड्रफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और वो हेड एंड शोल्डर जैसे शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप ये बहुत ही अच्छा है और मुझे भी ये प्योर लगा है, इसमें ऐसी कोई केमिकल मिलावट वगैरह नहीं है। आप इसे ज़रूर परचेज़ करें अगर आप भी कोई ऐसा ऑयल देखना चाहते हैं। और गाइस, इसका ये 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी है और मैंने इसे सिर्फ 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। गाइस, अगर आपका 100 रुपीज़ में हेयरफॉल वाकई में कम हो सकता है तो हम लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें। और गाइस, इतना टाइम तो, 1 महीने का टाइम तो मिनोक्सीड्रोल भी लेता है आपके हेयरफॉल को कम करने के लिए, और उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि आपको उसे रेगुलर यूज़ करना रहता है, आपके बाल उससे ड्राइनेस फील करते हैं और उससे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम अचानक से बढ़ने लगती है, फिर धीरे धीरे उससे फ़ायदा होता है। तो गाइस, अगर मैं कंपेयर करूँ इस दूसरे हेयर फॉल ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट से, तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे नीम ऑयल घर में होना ही चाहिए गाइस, अगर हेयर फॉल नहीं तो और दूसरे कामों में आपको ये ऑयल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो गाइस, आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। और गाइस, बात करें अगर इसकी, तो गाइस 100 ml इसकी क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं 100 ml इसकी क्वांटिटी है। और गाइस, 200 रुपीज़ में अगर 200 ml के मुझे फेस वॉश मिलते हैं तो वाकई में अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। और आजकल कोई भी फेस वॉश लेने चाहिए तो वो 100 ml तो आपको 100 रुपीज़ से ऊपर ही मिलेगा, और इसमें कई ऑफर अवेलेबल रहते हैं कई बार, तो ये 100 रुपीज़ से कम का भी आपको मिल सकता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग। मैं इसका रिव्यू जल्दी दूंगी कि वाकई में इसने मेरे फेस का ग्लो बढ़ाया है या नहीं।